ये हमारा पीस निकला है। ये पीस सेम है, ठीक है ना, इसकी हमने मोल्ड बनाई थी और इसी का पीस बनाया। ये आप देख सकते हो ए और बी, पॉक्सी ग्लास ए और पॉक्सी ग्लास बी। तो अब हमने कलर किसमें मिक्स करना, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, ये हम इसमें ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ये मोहम्मद फारूक आजम और आप देख रहे हैं 4-in-1 बिजनेस आर्ट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये पीस, ये कास्टिंग एपॉक्सी से कैसे की जाती है। ये हमने कास्टिंग की है, ये आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे पीस है। तो ये कैसे कास्ट हुए ये मैंने आपको बताना है, और सिलिकॉन की मोल्ड से कास्ट हुए। ये 2 पीस सिलिकॉन मोल्ड है, तो मैं आपको कास्टिंग दिखाऊंगा ये कैसी होती है। और अगर आपने रिक्वेस्ट की तो यही मोल्ड की वीडियो, क्योंकि मैंने एक और मोल्ड बनानी है सिलिकॉन की इसी टाइप की, तो फिर मैं आपको वो मोल्ड भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे सिलिकॉन की मोल्ड बनाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें, ये 2 पीस मोल्ड है, ताकि आपके जहन में आ जाए ये 2 पीस मोल्ड है, और ये लिक्विड सिलिकॉन से बनी है। और ये इसका कवर, लिक्विड सिलिकॉन का जब मोल्ड बनाते हैं तो उसके ऊपर भी फाइबर ग्लास का कवर भी बनाना पड़ता है, ताकि पीस अपनी जगह से तसमस ना हो। ठीक है, ये देखें, ये दोनों तरफ कवर बनता है। ये डिजिटल स्केल है जो 0.5 ग्राम 1 ग्राम का वजन भी बताता है, तो जेन में रखना है। आप अपॉक्सी या सिलिकॉन का काम करें तो ये वाली स्केल लाजमी लेकर आनी जो 0.5 ग्राम तक बताए। अब हमने स्टार्ट कर लिया है, तो इस कप का वजन आप चेक कर ले, 2 ग्राम इसका वजन है। हमने अपॉक्सी ए ली है, ये अपॉक्सी ए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने इसमें डाल ली है, और साथ ही हमने अपॉक्सी बी, ये 40 ग्राम है, इसमें से कप का वजन निकाल लें 2 ग्राम, तो ये 38 ग्राम रह जाता है। ये हमारे पास दो हैं, ए और बी, अपॉक्सी ग्लास ए और अपॉक्सी ग्लास बी। तो अब हमने कलर किसमें मिक्स करना, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, तो ए पर, ए में आपने बिल्कुल कलर मिक्स नहीं करना, तो बी में करना है। ये हम इसमें ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। बी में आसानी से कलर मिक्स हो जाता है, तो इसे अच्छी तरह 2-3 मिनट तक आपने अच्छी तरह मिक्स करना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई कलर रह जाए एक जगह पर, तो वहीं ये खराबी पैदा हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि अपॉक्सी ए में बी को मिक्स कर देना। फिर इन दोनों को मिक्स करना है अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करें, ये दोनों मिक्स होने जरूरी है। जहां इसकी थोड़ी सी भी मिक्सिंग रह गई, उसमें कमी रह गई, तो वहीं से ये चिपचिपा रह जाएगा और कभी भी खुश्क नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है कि दोबारा इसको अंडेल लेना है, किसमें, अपॉक्सी बी वाले पार्ट में, ताकि जो अपॉक्सी ये जो नीचे बैठी होगी ना
वो भी इसमें चली जाएगी और कोई चांस नहीं रहेगा अपॉक्सी के बैठने का, चिपचिपाहट का। तो अब हम कास्टिंग करेंगे, तो उस कास्टिंग का ये जो बेहतरीन तरीका वो यही है जो हम करने लगे हैं। ये हमने मोल्ड ओपन कर लिया और अब हमने इसे रिलीज एजेंट लगाना है। तो अब हम इसे रिलीज एजेंट लगाएंगे ताकि ये आसानी से रिलीज हो सके बाद में। रिलीज एजेंट लगाने के बाद हम ऊपर ये दूसरा पीस रख देंगे। ये टू पीस सिलिकॉन मोल्ड है। यानी ये इस तरह ऊपर आएगा, मगर इससे पहले हमने क्या करना है, ताकि इसमें हवा या कोई कमी ना आ जाए, तो इस सबसे पहले हमने एक ब्रश लेना है और उसके साथ अप्लाई करना है एपॉक्सी को साथ साथ। ताकि हवा की जो चांस हैं या बबल्स के चांस हैं वो खत्म हो जाएं। इसके बाद हम ऊपर मोल्ड रख देंगे, यानी टू पीस है, यानी दूसरा पीस हम रख देंगे। इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना और आपने फिर एक गत्ते की पीप बना लेनी है, उसके साथ आपने इसमें इसको डालना है। यानी पहले हम ब्रश को साफ कर लेंगे ताकि जो ब्रश के साथ लगी है एपॉक्सी वो उतर जाए। और अब हम डालने से पहले इसे फिर एक दफा मिक्स कर लेंगे। एपॉक्सी इसमें मुकम्मल हो गई है, तो अब हम इस पर वजन रख के इसको 12 घंटे से ज्यादा अरसे के लिए छोड़ेंगे ताकि ये बिल्कुल हार्ड शीशे जैसी हो जाए। तो अब हम इसका वेट करते हैं कि कितने टाइम बाद ये हार्ड होती है। एपॉक्सी का खुश्क होने का टाइम, ड्राई होने का टाइम तकरीबन 12 घंटे है, मगर अगर आपने इस तरह कास्टिंग की है तो फिर कोशिश करें कि 24 घंटे बाद। तो इसे 24 घंटे हो गया, तो अब हम इसे रिलीज करेंगे, तो देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट निकलता है। तो अब हम रिलीज करेंगे, मगर इसकी कुछ चीजें ना गौर करने वाली हैं। ये साइड है मुश्किल, अगर इसको पहले उतारेंगे तो फिर इसके पीस टूट सकते हैं, तो इसलिए हम इसे करेंगे उल्टा ताकि जो सिंपल साइड है वो आसानी से रिलीज हो। ये डबल मोल्ड है, तो सबसे पहले हम इसका उतारेंगे कवर। ये इसका कवर है, फाइबर ग्लास का कवर, और फिर हम इसे उतारेंगे। ये सिलिकॉन की डाई है, तो सिलिकॉन में हमेशा जो कास्टिंग की जाती है वो आसानी से रिलीज हो जाती है।
ये सिलिकॉन का, ये टू पार्ट्स सिलिकॉन की डाई है। ये साइड थोड़ी सी मेहनत से निकलती है, ये भी फाइबर ग्लास का कवर है इसका। ये कवर इसलिए बनाया जाता है ताकि पीस सिलिकॉन नरम होती है, यानी कि आगे पीछे ना हो जाए। ये हमारा पीस निकला है, ये पीस सेम है, ठीक है ना। इसकी हमने मोल्ड बनाई थी और इसी का पीस बनाया। ये आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक और शेयर भी करेंगे।